छोटे वीर पंजाब की सियासत बदलने से भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही है, तो कन्याकुमारी तो चल रही है जिथे कई कई साल चो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो हुंदी हुई इत्थे आई है। इहदा मकसद कुछ होर है। मैं तुहानूं कहा कि पहले ही कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो ये भारत जोड़ो है, देश के संविधान नूं बचाउणा है। देश दे विच जिस प्रकार का लोगों की वंड पाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू ईसाई भरा इन्हां नूं दलित भरा इन्हां नूं उन्हां दे बंदे हक ते इन्हां नूं इकट्ठा करके रखना है और इन्हों तोड़न नहीं देना। भाईचारक साझ ना टुटे। महंगाई बहुत वड्डे मुद्दा है, बेरोज़गारी बड़ा वड्डा मुद्दे है। ये तमाम मुद्दों की लड़ाई लड़नी है। अज देश दे अंदर लोगों की आवाज़ बंद करन दी कोशिश की जा रही है, मीडिया की आवाज़ बंद करन दी कोशिश की जा रही है, जुडिशरी की आवाज़ बंद करन दी कोशिश की जा रही है। उन्हां तमाम बुराइयां दे खिलाफ यात्रा है। जे राहुल गांधी ने कांग्रेस पंजाब की मजबूत करनी होंगी या कांग्रेस करके यात्रा कर रहा हों तो फिर हिमाचल के इलैक्शन राहुल गांधी जी ने नहीं छड़ने से, फिर गुजरात के इलैक्शन राहुल गांधी ने रहना सी, होर सीटा आदि इस गल ना उत्थे। ये मकसद है देश बचाओ। राहुल गांधी देश का तिरंगा झंडा लैके चल रहे हैं, तो तिरंगा झंडा एक प्रधान नूं दूजा प्रधान दिंदा जदों सूबे चों शिफ्ट हुंदी है। सो इहदा मकसद कुछ होर है। कांग्रेस मजबूत करना मकसद नहीं है, इहदा मकसद है कि देश दे तमाम विरोधी दल, तमाम वो लोग जिहड़े देश नूं प्यार करदे है, देश दीआं परंपरावां नूं ते देश दे संविधान नूं प्यार करदे है, देश नूं ते भाईचारे नूं प्यार करदे है, ये उहनां नूं मजबूत करना राहुल गांधी दा मकसद है, ना कि कांग्रेस मजबूत करना। सो एक भारत छोड़ो भी यात्रा सीगी है, जिस तरह तुसी कहा वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजा नूं कहा सी भारत छोड़ो। सो कामयाब होए सी, बड़ी सक्सेस डांडी मार्च यात्रा सी और देश आज़ाद होया। और मैनू लगता है कि अज आज़ादी तो बाद अज भारत जोड़ो दी बड़ी जरूरत सी, जानकि देश नूं जोड़ना, देश दे तमाम जिस तरह का हालात बनते जा रहे हैं सब नूं नाल लेके चलना हर फिरके दे लोकां नूं। सो इस करके भारत जोड़ो ये यात्रा जिहड़ी है वो 8 दिन के करीब पंजाब दे विच रहेगी। मॉर्निंग सुबह हुण तक का शड्यूल यही है कि 6 बजे तो शुरू होया करेगी तो शामी 6 बजे तक खत्म होएगी। पहला 15 किलोमीटर तो फिर 12-13 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का पड़ा, 25 किलोमीटर इज़ द मैक्सिमम लिमिट जिहड़ी ये तय करया करेगी। सो पूरन उम्मीद है कि 10 तरीक नूं राहुल गांधी जी साडे कोले रात नूं शाम नूं किसे वेले पंजाब एंटर करनगे। सो ये मुकम्मल तैयारियां अज सीनियर लीडर साहबाना नाल, मैडम पठल नाल, लाल सिंह जी नाल, दुल्लो साहब नाल, संतोष चौधरी, ये तमाम सीनियर लीडर्स नूं न्योता दिता गया सीगा। उन्हां दे सुझाव लए गए, उन्हां दीआं कोई जिहड़ियां सलाहां सीगियां वह लईआं गईआं और ये लोग भी भारत जोड़ो यात्रा शामिल होणगे, क्योंकि हर वर्ग दे विच इक चाह है। अड्ड अड्ड डिफरेंट डिफरेंट एरिया कमेटीज़ बनी है, फूड कमेटी है, अकोमोडेशन कमेटी है, सोशल मीडिया कमेटी है, मीडिया कमेटी है, ये रूट कमेटी है, 18 किस्म दियाँ इस तरह दियाँ साड़ियाँ कमेटीज़ है। और मैनू लगता है कि सुबह बड़ा चैलेंजिंग है, तुहानू पता कि रजाई चो उठना, थोड़े आखे कोई थोड़े बच्चे जां घर दे परिवार दे आगू 6 बजे रजाई चो इस मौसम च धुंद दा मौसम फॉगी उठने लई तैयार नहीं है। पर मैनू पूरन उम्मीद है कि पंजाब दे लोगां च बड़ा उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा नूं लैके, और एक भरमा स्वागत दे नाल असीं राहुल गांधी दी इस यात्रा दे विच पंजाब दे लोग शामिल होणगे। पंजाब मेहमान नवाजी च बहुत मशहूर रहा है, अगां रहा है, और राहुल गांधी मैनू लगता जदों इह परदेश छड के जाणगे महसूस करनगे कि जो पंजाब दे विच होस्पिटैलिटी सेवा मेहमान नवाजी लोगों का स्वागत होया वो कितें नहीं हो रहा।